good. चरखी अलाउ नहीं है भाई। सबसे पहले तो मैं आईकैन का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने आज किस गैदरिंग का इनकार किया है। तो हम सब जो हैं स्टूडेंट्स हैं, तो चूँकि हम सब अपने घरों से दूर हैं, तो आज जहाँ पे गैदरिंग के अंदर हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार हम कहीं दूर नहीं हैं, हम अपनों के अंदर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोलिस्टिक फेस्ट। बाकी की बात जो है अब अब्दुल्ला बताएंगे कि आज यहाँ क्या हो रहा है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूँ। तो आज हम लोग जो है उमूल कुरा सेंटर के अंदर आईकैन की तरफ से एक कम्युनिटी के लिए जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके लिए ईद उल अज़हा का डिनर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे आज के होस्ट हैं फैज़ान भाई, जिनका जो यूट्यूब चैनल है जूलिस्टिक फैज़ान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। जितनी भी अपडेट्स आती रहें कम्युनिटी के हवाले से और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस के हवाले से, वो भी आप यहाँ से वसूल करते रहेंगे। और हम लोगों ने सबसे पहले तो डिनर किया है और आइकन का जो तो तारीफ था, जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के हवाले से आइकन जो काम कर रही है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। और मैं नबील भाई लोगों और ज़ुहर भाई लोगों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज के इवेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सब की सब आपको समराइज़ करके दिखा दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की गैदरिंग का मकसद यही था कि हम सब एक कम्युनिटी हैं, तो वी शुड बी अलाइन टुगेदर, हम जुड़ के रहें, एक दूसरे को जान सकें। और एक दूसरे को जानने का फ़ायदा यह है कि जब एक दूसरे को किसी हेल्प की मदद की ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे के लिए मौजूद हों। तो इसी पर्पज़ के लिए हमने गैदरिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, दिस इज़ उमूल कुरा सेंटर मेडिंगटन, और यहाँ पे बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। यहाँ पे संडे स्कूल होता है, अरबिक क्लास होती है, कुरान सर्कल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूथ हमने जो बनाया है सेंटर, ये यूथ को फोकस में रख के बनाया है। तो आप लोग भी इधर तशरीफ़ लाइए, यहाँ पे टेबल टेनिस की एक्टिविटीज़ के लिए जगह मौजूद है, बैडमिंटन उसके लिए, बास्केटबॉल के लिए जगह मौजूद है, फूसबॉल है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कराटे की क्लासेस भी शुरू होंगी। सो यू आर ऑल वेलकम टू ज्वाइन इंशाल्लाह ताला। ये आपका सेंटर है और प्लीज़ फील एट होम एंड कम हेयर ऑफर इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आईकैन का बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने आज किस गैदरिंग का इनकार किया है। तो हम सब जो हैं स्टूडेंट्स हैं, तो चूँकि हम सब अपने घरों से दूर हैं, तो आज जहाँ पे गैदरिंग के अंदर हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार हम कहीं दूर नहीं हैं, हम अपनों के अंदर ही हैं। तो मैं अपना तारुफ बता दूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला अज़ीज़ है और मैं कर्टन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और तकरीबन पर्थ के अंदर 2 साल से मुकीम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आईकैन की जितनी भी एक्टिविटी है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो एक कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए आईकैन एक बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, तो साथ ही अपना तारुफ। बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट, इनकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह शादी है, वो भी इधर ही होगी। तो उमूल कुरा सेंटर मेडिंगटन में जी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हमजा सिराज मेरा नाम है जी, और पाकिस्तान में मैं फैसलाबाद पंजाब से मेरा ताल्लुक है, और यहाँ पे मैं मर्डक यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पे सारे मौजूद हैं, तो आज से एक हफ़्ता पहले जैसे ईद का दिन था तो ऐसे फील हो रहा था भाई कहीं बेगाने में बैठे हुए हैं, कोई मिलने वाला ही नहीं है, कमरों में बैठ के ईद गुजार लिया। लेकिन आज मिल के यही फील हो रहा है, आज ईद का ही दिन है क्योंकि पाकिस्तान कम्युनिटी में सारे बैठे हुए हैं, तो ऐसे फील हो रहा है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दोस्तों की गैदरिंग है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये उमूल कुरा सेंटर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स के लिए ऐसी गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मैं इसके लिए उमूल कुरा सेंटर का शुक्रगुजार हूँ और अपने पाकिस्तानी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो अपना जो कीमती वक्त है वो निकाल के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि प्रदेश में यहाँ पर बैठ के ना अब्रॉड में जो वक्त है वही आपकी मनी है। तो सबके लिए मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीज़ है और पर्थ में मुझे 1.5 महीना हुआ है, मैं 476 वीज़ा पे आया हुआ हूँ, और मेरी जो क्वालिफिकेशंस है वो इंजीनियरिंग है, NET से मैं मैकेनिकल का पास आउट हूँ, और उसके बाद मेरा CBM से MBA है, और मेरी फील्ड है प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन। तो वैसे सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट ऐसी फील्ड है जो कि पर्थ में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम मिलती है, तो मैंने ये चीज़ एक फ़ेस की है कि मेरी फील्ड के लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये है कि आईकैन का मेरा पहला इवेंट है ये, और पहली वर्तमान में मतलब किसी इवेंट में पर्थ में आया हूँ, तो ये एक अच्छा इवेंट रहा और सबसे मुलाकात होगी, अभी सबसे इंट्रोडक्शन होगा, तो ये है कि एक अच्छी वो है सराउंडिंग से और इन्वायरमेंट से वो हो जाएगी। जॉब की जर्नी कैसी रही? जॉब की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, तकरीबन 1.5 महीने में मैंने
20 से 25 इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है 476 पे वो वीज़ा की जो टाइम लाइन एक्सपायरी है वो आपको हिट करती है। और ये जो ऐसी जॉब है कि इसमें ना परचेजिंग पावर कंपनी की आपके पास होती है, तो ये लोग चाहते हैं कि आपके पास ऐसा बंदा हो जिसके पास पी आर हो। तो ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है और इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह। फील्ड कौन से भैया आपके? प्रोक्योरमेंट परचेजिंग सप्लाई चेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम सलमान है, मैं कराची से हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट हियर। कर्टन में मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। एंड आई कैन वालों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी गैदरिंग उन्होंने अरेंज की, यहाँ पे सब मिले, घुल मिले, बहुत ही इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। एक अच्छा इवेंट था, ये नए दोस्त बने यहाँ पे और बातें की, पता चला कि आप जो हैं अकेले नहीं है, सबकी आपसे मिलती जुलती सिचुएशन है यहाँ पे। तो इट वॉज रियली हेल्पफुल, रिलेटेबल हैं सब यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैस अब्दुलरहमान है और मैं यहाँ 476 वीज़ा पे हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर है और यहाँ पे मैं प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूँ इन माइनिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मुझे हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा इवेंट है, एक एज अ गेट टुगेदर नए लोगों से मिलने का मौका मिला। और ये कि इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि आई कैन से कि इसी तरह के इवेंट यहाँ पे होते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये कि होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। मुझे यहाँ पे एक हफ़्ते के अंदर जॉब मिल गई थी, ये कि एक हफ़्ते से भी कम में ही मिल गई थी मुझे। तो ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई मेरे पास और फिर उसके अंदर से मैंने जो सबसे बेस्ट थी उसको फिर चूज़ किया और ये कि उसी में ही हूँ और उसमें प्रमोशन भी हुई है। बस वो यही था कि अम्मी अब्बू की दुआएं थी, अल्लाह ताला का साथ था और ये कि कम्युनिटी की काफ़ी सपोर्ट थी। जैसे फैज़ान भाई हैं, वो मैं आया था तो अकोमोडेशन का काफ़ी मसला था, लेकिन ये कि उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सब बेहतर किया। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की है एनडी से और मेरे तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और मैं करंटली यहाँ 476 वीज़ा पे हूँ, मुझे आए हुए तकरीबन अभी कोई 1.5 मंथ्स हुआ है। और ये कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैंने जो फेस की है जॉब हंटिंग के हवाले से, क्योंकि पर्थ में मैं हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी यहाँ कम है एज़ कम्पेयर टू विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। बट ये कि मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह एप्लीकेशन पे अप्लाई करना। और इसमें बस मेन जो यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी है ना कि लोग यहाँ पे मोटिवेशन अपनी थोड़ी सी लूज़ कर जाते हैं अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। बट आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह अभी तो टाइम है तो इंशाल्लाह इसको कैटर करेंगे। बाकी ये कि ICN का मेरा ये पहला इवेंट था और यहाँ लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अब इंट्रोडक्शन होगा, लोगों से मिलेंगे, एक नेटवर्क बनेगा लोगों से ऑब्वियसली, तो वो बहुत हेल्प आउट कर दी है चीज़ आपको ना। तो और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है क्योंकि ग्रो कर रही है। और ये कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद बेग है, मैं 476 वीज़ा पे यहाँ पढ़ता आया हूँ। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मेरी बात हुई थी कैस से, कैस मेरा जूनियर है और मैं था सऊदी अरब में। मैं आना नहीं चाह रहा था इधर टू बी ऑनेस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्री है, कुछ पता नहीं था कि किस तरह से हो। और सऊदीया का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि जॉब करनी है, जॉब से घर जाना है, अकेले रहना है, फिर सुबह जॉब करनी है। लेकिन फिर मेरी बात हुई कैस से, कैस ने बताया नहीं आप आएँ, यहाँ पर अच्छी कम्यूनिटी है, लोग अच्छे हैं, यू विल फाइंड अ ग्रेट सराउंडिंग विथ यू। सो आई डिसाइडेड टू मूव। तो मैं पिछले हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते हुए हैं मुझे यहाँ पे, तो आज मेरा 2nd वीक एनिवर्सरी आप कह सकते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ मना रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। ICAN का ये मेरा पहला इवेंट है, वो भी मुझे कैस ने ही बताया था। और ये अजीज़ और अवेस, ये दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं NED के। मैं भी NED का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ, 2020 में मैं पास आउट हुआ और उसके बाद से ही मैंने कराची छोड़ दिया। मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गया, पहले कुछ अर्सा मैंने मोरो में जॉब की, फिर कुछ अर्सा मैं एंग्रोथर चला गया, वहाँ मैंने जॉब की, फिर कुछ अर्सा मैं फातिमा चला गया, कुछ अर्सा मैंने वहाँ मुल्तान साइड पे जॉब की, देन फिर मैं सऊदीया चला गया, वहाँ मैंने जॉब की, अब मैं इधर आ गया हूँ। और फॉर नाउ आई एम हंटिंग फॉर अ जॉब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरी जॉब जल्दी हो जाएगी, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है। Over to you. आपको सऊदी अरब का थोड़ा बहुत माहौल हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह दे देंगे दीन का काम करने के वाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अशफाक है, मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं फार्मासिस्ट हूँ
तो मैंने पाकिस्तान से फार्मेसी की, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में काम किया फार्मा के अंदर 5 ईयर्स। देन मैं मास्टर्स करने आया 21 के एंड में, दिसंबर में कोविड के बाद। तो उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलोंग में था, मैंने 2 सेमेस्टर्स किए, तो मुझे 491 इन्वाइट हुआ पर्थ से, मैं यहाँ मूव हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मा कम थी, तो मैंने फिर फार्मेसी का एग्ज़ाम पास किया, जो कि रिटेल में चाहिए होता है आपको। तो वो एग्ज़ाम पास करने के बाद अब यह है कि इंशाल्लाह 2-3 इंटरव्यूज़ हैं इसी हफ्ते, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी आईकैन का बहुत शुक्रिया, आईकैन ने इन्वाइट किया, अच्छी गैदरिंग थी और काफ़ी सपोर्टिव लोग थे और अच्छा लगा, लाइक घर वाली फीलिंग हुई। तो थैंक यू सो मच। आपके साथ अभी 5 मिनट का एक पॉडकास्ट करना है, किस तरह आपने फार्मेसी की डिग्री अटेस्ट कराई और आपरा का लाइसेंस लिया। जी जी मुकम्मल इंशाल्लाह, आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अकबर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैंने NED से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की डिग्री की है और मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। 476 वीज़ा पे मैं पर्थ आया था और तकरीबन आधा वीज़ा ख़त्म हो गया है, कोई 8-9 मंथ्स हो गए। तो मैं माइनिंग में जॉब करता हूँ, कैजुअल एज अ ट्रेड की जॉब करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फील्ड रिलेटेड है वो, तो इस वजह से मैंने वो स्टार्ट की है। तो अभी प्रोफेशनल के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ उसी एक्सपीरियंस की बेस पे, तो इंशाल्लाह। वो जॉब मुझे तकरीबन जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो शुरू के आधे महीने मैंने जॉब हंडी के साथ साथ ऊबर ईट्स की, और उसके बाद जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो 1 महीने बाद मुझे जॉब मिल गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद शहजाद है और मैं यहाँ कटन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मास्टर कोर्स कर रहा हूँ। और यहाँ के मैं जो एक चीज़ सबको सजेस्ट करूँगा कि जैसे हम यहाँ आते हैं और हमारी भाई जो होते हैं, हमारे साथ वाले जो होते हैं, हमें इतना धोखे देते हैं, हमें जलील करते हैं, तो हम किसी हमें और हमारा जो एक बिलीव बन जाता है ना, नहीं ये सीरियस सही बात बता रहा हूँ, और हमारा जो बिलीव बन जाता है ना कि हम किसी दूसरे से कोई सजेशन ले लें, कोई एडवाइस ले लें, लेकिन अपने उसे ना लें, तो वो एक चीज़ मैंने आके जो नोटिस किया कि आप सबको सजेस्ट भी करूँगा कि आप आइकन ग्रुप के साथ आएँ, आप उनसे कोई भी एडवाइस लें, वो टू बी हॉनेस्ट और आपके साथ उसकी हेल्प भी करते हैं, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने जो है ना, सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने दीन के साथ जो है ना कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे दूसरे कंट्री में आके अपने आप को नहीं भूल पाते, जो लोग मोस्टली आके हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने काम भी करें, स्टडी भी करें और साथ जो है ना आइकन के साथ मुंसलिक रहें, ताकि वो रिफ्रेशिंग होती रहे आपकी। थैंक यू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अवैस अली है, मेरा तल्लुक सरगोधा से है और मैं पर्थ में तकरीबन 9 मंथ्स पहले मूव हूँ पाकिस्तान से, और अभी स्टडी कर रहा हूँ मर्डॉक यूनिवर्सिटी में मास्टर इन IT, और साथ में एक छोटी सी जॉब चल रही है। बाकी आइकन के साथ ये मेरा दूसरा इवेंट है, और आइकन को ज्वाइन करने का एक ये भी है कि आप अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को यहाँ पे ग्रोथ है देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो, और यहाँ इनसे मिल के आपको ये पता चलता है कि आप इस जंग में अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी बहुत लोग हैं। एक्सपीरियंस लोगों से मिल के ये लगता है कि उन्होंने भी हमारी तरह ही स्टार्ट किया था, अब वो इस मुकाम पे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो फेज़ से गुजर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो एक सक्सेसफुल है आज, तो हम उन तक भी पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ुल्करनैन बेग है, मैं 476 वीज़े पे आया था, बिलोंग मैं कराची से करता हूँ, ग्रेजुएशन मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से की है, अभी मैं KBS-2 प्रोजेक्ट के ऊपर एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ किवान में, और अच्छा एक्सपीरियंस था, आते ही साथ कुछ नहीं होता, धक्के खाने पड़ते हैं, और वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड इट्स क्वाइट मेजमराइजिंग, तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ जो आया है कुछ ना कुछ कर ही जाता है। जॉब तो मेरी आप कह लें शुरू तो मैंने काफ़ी पहले की थी, करीब कोई 6-7 इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जो मेरे नहीं जमे थे, नहीं हुआ काम उसमें, और बहुत ही बेसिक इनको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाए उस जगह पे। यानी सम टाइम आई वाज लाइक वेंट ऑन इंटरव्यू ऑफ अ टेक्निकल सेल्स इंजीनियर, और उन्होंने कहा यार यू आर अ बेटर सेल्स इंजीनियर देन टेक्निकल, हमारे तो इंजीनियर ही समझते हैं सबको, तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है, एक जगह मारें पक्का मारें, तो ऐसे गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेक अ क्वालिटी अदर देन द क्वांटिटी,
دیٹس واٹ مائی میں اب تک جو تجربہ ہے وہی ہے. میں نے کوانٹٹی کھیلی تھی تو وہ کامیاب نہیں تھی. ہاں آخر کار اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, اپنی تو نہیں میں کہہ سکتا کچھ, اوپر والے کا ہی کرم مانگ لوں گا میں اس میں, اپنی کوئی اس میں اپنا ہوتا تو پہلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم, میرا نام جعفر مینگل ہے اور میں کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں. 476 ویزا پہ میں آیا تھا یہاں پہ فیبرری میں, اور ابھی یہاں پہ میں جاب سیکنگ کر رہا ہوں. اور یہاں پہ اچھا لگا آج سب سے مل کے, سیکنڈ عید ہے یہاں پہ لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ابھی پتہ چلا ہے یہاں پہ کمیونٹی کا. پہلے ہم ذرا ڈسکنیکٹڈ تھے, کمیونٹی کا نہیں پتہ تھا, تو اب پتہ چلا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے سب بھائیوں سے مل کے. تو دیٹس اٹ. السلام علیکم, میرا نام زاہد شہباز ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میں نے گریجویشن ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں کی تھی اور اس کے بعد اٹس بین 4 months کے میں یہاں پہ آیا ہوں فیب 2022 میں اور فیب 2024 میں. تو یہ جعفر میرا کلاس والا, ہم دونوں اکٹھے موو ہوئے تھے. تو ہماری فیلڈ ہے ٹرانسپورٹیشن, تو یہاں پہ اتنی اچھی اپرچونیٹیز نہیں نظر آ رہی, تو ہم اب وہ کر رہے ہیں سڈنی کی طرف, کیونکہ وہاں پہ ٹریفک زیادہ کنجسٹیڈ ہے تو اپرچونیٹیز اوبویسلی زیادہ ہے وہاں پہ. تو باقی ڈگری اسیسمنٹ کروائیے, باقی معاملات دیکھیں. تو اٹس بین اب یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہے یہاں پہ, اچھا لگ رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھ کے. انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام محمد شارف ہے, میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. I've only been here for 2 months. ان سب کے ساتھ ہی میں آیا تھا. میری آئی ٹی میں ڈگری ہے فرام نسٹ, ایکٹیولی لکنگ فار جابس. 476 476 گریجویٹ اسکل پر. اور بس گروپس میں اسی طرح میسج فارورڈ ہوا تھا اور ہم لوگ لیٹ بھی کافی ہو گئے تھے, بٹ میرا یہ تھا کہ سنڈے ہے, اس کو بجائے اس کے کہ بیڈ میں یا باقی ضائع کرنے کے کچھ نکل کر. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ادھر سب ایک ساری پاکستانی کمیونٹی اور سب کچھ جو ہیں ایکٹیولی, سب کے ساتھ تو انٹروڈکشن نہیں ہوا لیکن کافی سارے بھائی میرے خیال سے سیم بوٹ میں ہی ہیں. تو چلیں سب کے ساتھ جو باقی ایکسپیرینس لوگ ہیں بڑے ہیں ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں, گائیڈنس بھی لیتے ہیں. اور سب کو بہت عید مبارک. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام سہیل ہے, میں حیدرآباد انڈیا سے تعلقات رکھتا ہوں اور میں آسٹریلیا آ کر 6 سال ہو چکے ہیں اور ابھی میں ٹیمپرری ویزا پر ہوں. ریسنٹلی مجھے الحمدللہ سے پی آر کا انوائٹ آ چکا ہے. جی ہاں, بس ویزا گرانٹ کی لیے ویٹ کر رہا ہوں میں, اور ابھی ایٹ پریزنٹ رائڈ شیئر ڈرائیور کی طرح کام کر رہا ہوں. تو یہاں پہ پہلی بار ہے ایکین کا ایونٹ میں, میرا پہلی بار یہاں پر ہے اور شکر گزار ہوں میں کہ اتنے سارے اچھے لوگ ہیں, سب لوگ مل کے ایک ساتھ اکٹھا جٹ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عید کا ہی ماحول ہے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں ایکن کا. جزاک اللہ خیر. جی میرا نام عمیر ہے اور لاسٹ ایئر میں مارچ کے شروع میں آیا تھا ادھر. ماسٹر میں میرا ایڈمیشن ہے, 3rd semester میرا کمپلیٹ ہو گیا مرڈک یونیورسٹی سے. اور پاکستان سے جو میرے گریجویشن ہے وہ ایز آ فزکس ہے اور ماسٹر کی ڈگری ہے میری پاکستان سے, اور الحمدللہ اس میں بھی میری ڈگری کی اسیسمنٹ ہوئی ہوئی ہے. باقی جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ڈگری آئی ٹی کی ہے اس میں تھوڑا چانس لیں گے انشاءاللہ. تو اب ابھی لاسٹ سیمسٹر ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا اسی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. تو باقی آئیکن سے اٹیچ ہوئے مجھے لگتا ہے سال ہو گیا مجھے, تو یہ بھی میرے خیال میں 4th یا 5th میرا یہاں پہ ایونٹ ہے. تو ایک اچھا ایکسپوئر ہے ماشاء اللہ, جو نئے دوست وغیرہ ہیں, نئے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو نبیل بھائی سے اور فیضان بھائی سے سبھی سے ماشاء اللہ پہلے بھی انٹروڈکشن ہو چکا ہے, تو باقی جو نئے دوست آئے ہیں ان کے لیے اسپیشلی ویلکم ہے کہ یار اسی طرح جیسے آپ آئے ہیں آپ اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں. اس میں بہت اچھی چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کے ہے کہ جیسے وہ بھائی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, تو اسی طرح اگر کسی کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو یہاں پہ آگے شیئر کرتے ہیں, تو ایک اچھا ایکسپوئر ہے. تو باقی نیکسٹ بھائی. ہاں میرا نام عبید الرحمان ہے, میں یہاں پہ آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھائی اور کام کے بعد جو وہ کچھ وقت آپ کو اپنے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے یہاں پہ آئیکن کی صورت میں ملا. تو اب جو ہے مطلب آئیکن کے ساتھ مجھے تقریباً 2 months ہو گئے ہیں, تو میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروں اور دوسروں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے لیے اب ٹائم ضرور نکالا کریں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور یہ کہ آپ کی جو ہے وہ بانڈنگ جو لوگوں سے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح. عبید آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پرتھ میں؟ پرتھ میں میں فیب میں آیا تھا.
और मेरा पहला जो आपके साथ ही हुआ था तो वो तकरीबन 2 वीक्स के बाद ही हुआ था, उसके बाद से ही मैं आई कैन में हुआ। और एज इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी आप सेटल हो गए हैं, एकोमोडेशन जॉब वगैरह? एकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ हो गया और वो सारा कुछ तकरीबन आई कैन की वजह से ही हुआ, एकोमोडेशन और सारा कुछ। और फ्यूचर स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड करेंगे पर्थ आना? जी, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से जॉब ज़रा ज़्यादा है, खासतौर पे क्योंकि मैं एज अ सिविल इंजीनियर देखूँ तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर का स्कोप ज़्यादा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पर्थ में वो मूव कर सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है, ताल्लुक़ मेरा गुजरांवाला से है। मैं 2019 में आया था पर्थ में और मैंने फिर कर्टिन से मास्टर्स किया माइनिंग इंजीनियरिंग में, और अभी मैं एज अ माइनिंग इंजीनियर BHP के साथ जॉब कर रहा हूँ, फाइफो कर रहा हूँ। और 2019 में मेरा आईकैन के साथ ताल्लुक़ बना और 2019 में कोविड आया, उसकी वजह से काफ़ी बुरे हालात थे, तो उसमें जिस तरह आईकैन ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है उसमें आईकैन की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से कोविड में ऐसे था कि लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते थे, उबर ईट्स उबर एक्स टैक्सी सब कुछ जो है ना वो बंद हो गया हुआ था, बहुत कम काम करते थे। फिर आईकैन ने लोगों को घरों में ग्रॉसरी देना स्टार्ट किया, फिर स्टूडेंट्स को फिनेंशियली भी हेल्प आउट किया, और फिर मैं उसी सिलसिले में आईकैन से इम्प्रेस हुआ, इन लोगों के साथ जुड़ा। फिर ये लोग स्टूडेंट्स को फिनेंशियली फीसिस में विदाउट इंटरेस्ट लोन देते थे और उसमें भी माशाल्लाह मेरे ख्याल से 99% हमारा जो है वो रिटर्न रहा है, और इसमें माशाल्लाह ये बड़ी बात होती है। और उसके बाद आईकैन जो थी, हम हर मंथली स्टूडेंट्स कुरान सर्कल करते थे और उसमें मेरे ख्याल से एक साल तो बड़ा अच्छा रहा है, हर मंथली तकरीबन 30 से 40 स्टूडेंट्स आते थे, उसमें कुरान की किसी भी एक टॉपिक पे जो स्टूडेंट्स रिकमेंड करते थे उस पर बात की जाती थी, और फिर नमाज भी बाजमात अदा की जाती थी। और माशाल्लाह आईकैन इस तरह ग्रो करती रही है, और आज माशाल्लाह जब मैं आया था इधर बिल्कुल भी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम थी, और आज के मुकाबले में आजकल तो माशाल्लाह इधर अब जहाँ जाओ पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तानी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग मूव हो चुके हैं। तो यही है यार, आप मेरी यही सुजेशन है सबको, अपने ट्रैक पे रहो, अपने दीन के साथ भी कनेक्ट रहो, मेहनत करो, एफर्ट करो, और एक दिन आता है फिर आप लोग सेटल हो जाते हो। और बिलीव करो ये सबसे अच्छी जर्नी है, जो हार्ड जर्नी होती है ना वो इंसान को बाद में याद आती है, जब आप लोग ये चीज़ें अचीव कर लोगे ना आपको कि यार आप बोर क्या और कुछ नहीं, तो फिर नई मामला स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स इट, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, और थैंक यू। जी, मेरा नाम अरसलान गुराया है, मैं इधर कटन यूनिवर्सिटी से, मैंने भी मास्टर डिग्री किया, मैं और अकमल इकट्ठे आए थे पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के दोस्त हैं इकट्ठे। और यार मैंने अभी नोट किया, हर बंदा कह रहा है मैं जा पीऊँ जा पीऊँ, यार आप लोगों को मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा साथ ना आप अपने बिज़नेस को भी देखें, मतलब जितने दोस्त हैं ना देखें, मैं भी कटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, 4 साल और कुछ महीने हुए हैं मेरी 190 PR आ गया, मेरी और अकमल की इकट्ठी आई है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि बंदा, हर बंदा ना जॉब के पीछे है, कभी कभार जॉब नहीं होती, जैसे देखे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं अगर जॉब लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, मैं जॉब की तरफ नहीं गया, अकमल भाई गए हैं, इन्होंने मुझे बहुत मरतबा कहा है कि यार आओ जॉब की तरफ, मैंने कहा यार मैंने मेरा दिल नहीं करता, मैंने मतलब छोटा सा एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, मतलब वो लोगों को रेंट पर टैक्सी देता हूँ या राइड शेयर की कोई भी गाड़ी होती है ना, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा इस तरह ये जो न्यू कमर्स आते हैं, ठीक है, जैसे ये भाई आए हैं, आते हो तो किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि आके अपनी कोई गाड़ी ले ले, तो यार इस तरह इन लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल कर देते हैं, क्योंकि ये अपने ही भाई हैं हमारे, ठीक है, अगर ये किसी और के पास जाएंगे वो इनको थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा के रेंट देंगे, ये मतलब तो इधर इस तरह सारे जितने भी दोस्त हैं ना छोटा छोटा यार बिज़नेस किसी ना किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हों, और इससे अपने बंदों के भी होगी और आप बिलीव करें जॉब से ज़्यादा आपकी माइंड सेटिस्फेक्शन होगी इसमें भी, ये मतलब मुझे ऐसे लगता है, बाकी हर एक जैसे अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। फ्यूचर नबील भाई ये हमारे इधर उस्ताद मोहतरम की तरह है, ठीक है, कोई भी हमें एक ज़रूरत होती है हम इनके पास हाज़िर हो जाते हैं, ठीक है, बाकी नबील भाई आप इनको बाकी थैंक यू सो मच यार। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ सर्विसेज जो हम करते हैं, वन ऑफ देम इज़ हमारा स्टूडेंट्स का एक फोरम है, टी आर एन स्टूडेंट्स फोरम, तो आप लोगों से दरख्वास्त है आप उसको भी ज्वाइन करें। इसके अलावा एक कैरियर फोरम है, तो जिसमें हमारे कुछ भाई जो है वो लोगों को जॉब में हेल्प करते हैं,
तो यू कैन ज्वाइन दैट एज़ वेल इंशाल्लाह ताला। आप फैज़ान भाई को वो नंबर भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ही कैन ऐड यू टू बोथ ऑफ़ दिस ग्रुप। इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वीकली, तो मेंटल हेल्थ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। तो एवरी सैटरडे मॉर्निंग वी हैव गॉट क्रिकेट सेशंस। बाकी ये सेंटर जैसा मैंने पहले भी बताया, आपका सेंटर है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप आइए और अच्छा टाइम गुजारिए। इट्स योर सेंटर इंशाल्लाह। जी वी कैन डू इट। अच्छा यार लास्ट थिंग, अगर किसी को कोई गाड़ी शाड़ी वगैरह मौका तो नहीं है बिजनेस, ठीक है, अगर किसी को कोई गाड़ी शाड़ी चाहिए हो तो यार हमसे रब्ता कर, ऊबर ईट्स ऊबर एक्स टैक्सी वगैरह किसी को चाहिए तो यार हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट साथ ले गए यार, डिस्काउंट दे देंगे यार, क्या हो गया, कोई इशू नहीं, अपने भाई हैं सारे, जैसे कहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या यार भाई ले आना, अच्छा मतलब अभी जो लोग तो यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों को तो आई कैन का स्टूडेंट फॉर्म और टी आर फॉर्म जो उसका पता होगा, लेकिन जो लोग हम लोगों की वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के ये है कि पर्थ की जो सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो एंगेज है वो आई कैन का स्टूडेंट और टी आर फॉर्म है उसके अंदर है। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 1500 से ज़ायद जो तालिब इलम हो गए उसके अंदर मौजूद है, तो वो अब देसी मार्केट प्लेस सवर कर सकते हैं, उसी के अंदर आपको गाड़ी भी मिल रही है, अकोमोडेशन भी मिल रही है, और इवन आपको जो कैजुअल जॉब्स हैं जब जो नया बंदा आता है उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं वो भी आप लोगों को वहीं से मिल रही होती हैं। तो लिहाजा मेरी अभी यही सजेशन है, जो नए साथी आ रहे हैं सबसे पहले तो अपनी जो कम्युनिटी है ना उसके साथ कोई नेटवर्किंग जो है बनाए, आपका नेटवर्क जो आपकी नेट वेल्थ है। तो जब आप आते हैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ों की मतलब ज़रूरत होती है, अगर मैं अब अपना बताऊं तो मुझे याद है आज भी मेरा पर्थ के अंदर पहले दिन के बाद दूसरे दिन के अंदर नबील भाई सुबह 8 बजे मतलब मैं आर्माडेल के अंदर आइस पजीर था तो नोक होगा कि भजन किधर है। तो लेकिन देखिए यही बेसिक चीज़ होती है, ये क़ुव्वत होती है, ये आपकी कम्युनिटी सपोर्ट होती है। तो लिहाजा जो नए आने वाले साथी हैं, जो लोग मतलब फैज़ान भाई को आई कैन को जो फॉलो कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए यही सजेशन है कि आने से पहले एक जो प्री वर्कआउट है या अपनी नेटवर्किंग है उसे बढ़ाएं, इधर भी आके बढ़ाएं, ये नहीं कि आप काम काम और काम, क्योंकि हम मज़दूर तो यहाँ पे हर बंदा बना होता है, लेबर मतलब काम कर रहा होता है, अपना टाइम निकालें, कुछ टाइम को स्पेंड करें। आज अगर हम सब बैठे हुए हैं कई दोस्तों औरों की भी शिफ्टिंग होगी, हर बंदे ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, तो इस तरह जब आप कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो ओबियसली अब सेक्रीफाइस को आप किसी और सेंस से उसका आउटकम ले रहे होते हैं। तो जज़ाकअल्लाह खैर, सबसे जितने दोस्त आए हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज की ईद के इस डिनर के अंदर शिरकत की है। अभी मैं नबील भाई को कहूँगा कि जो हमारा आई कैन का उम्मुल कुरा सेंटर है इसका जो है वो एक शॉर्ट सा जो है टूर करवाएं। जज़ाकअल्लाह खैर।